हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं करंट अफेयर्स का 23 नवंबर 2018 का करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ गया हूं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है क्योंकि आने वाले एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के साथ बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए पेटीएम ने साझेदारी की है? तो किस बैंक के लिए की है, किस कंपनी के साथ किया है? एल आई सी, इसका नाम आपने सुना ही होगा। इसके साथ बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए पेटीएम ने साझेदारी कर ली है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? त्रिपुरा के अंदर आयोजित किया गया है 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां NCWP नेशनल सेंटर फॉर वुमेन एंड पॉलिशिंग हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ पर शुरू हुआ है हाल ही में? रांची के अंदर शुरू हुआ है, रांची झारखंड के अंदर शुरू हो चुका है। तो ये आपको पता रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सुरक्षित व्यवस्थित और विनियमित प्रवासन के लिए वैश्विक कॉम्पैक्ट बनाई गई? तो कहाँ पर बनाई गई? संयुक्त राष्ट्र में बनाई गई। किसने बनाई, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वैश्विक कॉम्पैक्ट बनाई गई। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 हाल ही में किसने जारी की? तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? WHO ने जारी की है। तो ये आपको पता रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के बीच भारतीय सेना नौसेना के लिए 2 जंगी जहाज बनाने के लिए $50 करोड़ की डील हुई है? तो दो जंगी जहाज बनाने के किसके साथ डील हुई है? रूस के साथ डील हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस बैंक ने हाल ही में 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की है? तो किसके किस बैंक ने की है? HDFC बैंक ने 1100 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस दक्षिणी गोलार्ध देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त राष्ट्र प्रवासन संधि को खारिज कर दिया है? तो किस दक्षिणी गोलार्ध देश के साथ, राज्य के साथ अमेरिका ने किस संधि कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, रूस ईरान और तुर्की के बीच सीरिया संघर्ष पर वार्ता हाल ही में कहाँ आयोजित किए गए? तो कहाँ पर आयोजित किए गए? अस्ताना पर आयोजित किए गए है। अगला क्वेश्चन क्या है, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मलेरिया के कुल मामलों में कितने परसेंट मामले भारत और दक्षिण अफ्रीका देशों में हैं? तो कितने हैं? 80%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है, IPRS इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम पर किसने हाल ही में किसने रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? वाणिज्य मंत्रालय ने IPRS के रिपोर्ट जारी की है, वाणिज्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में एक ही रॉकेट से 5 सैटेलाइट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर रिसर्च करने के लिए लॉन्च किए? तो किसने किए? चीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा झूलता हुआ ब्रिज कौन सा देश बना रहा है जो 2019 में तैयार हो जाएगा? चीन बना रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 59वें सुब्रत कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जूनियर किस देश ने जीता है? किसने जीते हैं? बांग्लादेश ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत और जापान के बीच वोल्टी आधारित इनबोल्ड इंटरनेशनल रोमिंग सर्विसेज लॉन्च की है? तो किसने की है? रिलायंस जियो ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड जिम्नास्टिक एक्रोबेटिक कैटेगरी में भारत ने हाल ही में कितने मेडल जीते? तो कितने मेडल जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओडिशा की सरकार ने हाल ही में विधानसभा तथा संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है? तो कितने प्रतिशत के लिए किया है? 33% आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया है ओडिशा के अंदर। महिला सशक्तिकरण अभियान हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो महिला सशक्तिकरण अभियान हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किसे इंटरपोल का अध्यक्ष हाल ही में 21 नवंबर को नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया इंटरपोल का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त 21 नवंबर को? किम जोंग यांग को नियुक्त किया गया, किम जोंग यांग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर रेलवे में, RPF में, इन सभी में पूछे जाने हैं। तो आपको इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है, तो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है, यूनेस्को ने जारी की है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताया मैंने आज के लिए। तो ये से एक वीडियो आपको देखने हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो रेड कलर के बटन दबा करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये से क्वेश्चन आपको मैं डेली लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।